देखो पूरे प्रदेश के अंदर वेलकम हुआ है, जितने हमारे जो पहली बार सोशल इंजीनियरिंग हुई है जिस रूप में किया गया है, सभी वर्गों को सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए जिस रूप में ये पूरी कैबिनेट बनी है नई, एक प्रकार से जो 15 लोग नए लिए गए उसके बाद में पूरा मैं समझता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी सबको प्रयास किया गया रिप्रेजेंट देने का, अच्छे ढंग से हुआ है, सब लोग बहुत खुश हैं। ये बात जरूर है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ जिले में हम नहीं बना पाए हैं, पर हम लोग उन जिलों का विशेष ध्यान रखेंगे, बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम वाले फॉर्मूला लगा के लिए हमारे खाली फर्स्ट टाइम वाले ही MLA हैं, तो पहली बार के फॉर्मूले से संभव नहीं हुआ कि हम सब जगह बना सके सब जिलों के अंदर, पर हम लोगों ने भी सोचा अगले चुनाव की तैयारी आज से शुरू हो गई हमारी, उसी रूप में हम सबसे बात करेंगे, इनको जिम्मेवारी सौंपेंगे किस प्रकार पब्लिक से संपर्क करना है, किस प्रकार उनकी समस्याओं का समाधान करना है, किस प्रकार मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना है। नए रूप में आप देखेंगे पूरी कैबिनेट को, और मैं समझता हूँ कि जनता की आशा अपेक्षाएँ जो है इस सरकार से उसको पूरा करके हम दिखाएँगे, और अगली बार वापस सरकार कांग्रेस की बने, ये जो जनता में भावना पैदा हुई इस बार उन भावना को उन अपेक्षाओं पे हम खड़े उतरेंगे और अगली बार सरकार बनाने में हम लोग कामयाब होंगे। ये तो कई लोग लग चुके हैं, कई लोग लग जाएंगे, प्रोसेस चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अभी तो हमारे जो मुख्यमंत्री के एडवाइजर बनेंगे, पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनेंगे, बोर्ड कॉर्पोरेशन की चेयरमैन बनेंगे, तो प्रयास है कि अधिकांश MLA को हम लोग किस प्रकार से एडजस्ट करें, वो हमारा पूरी आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग।